हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी का मंचूरियन। तो पत्ता गोभी का मंचूरियन बनाएंगे फ्रेंड्स, और ग्रेवी वाली बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं आज उसी की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, एक इतना बड़ा गोभी था जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है इस तरह से, बारीक वाले तरह से। तो इस तरह से हम ग्रेट कर लिए हैं, और इसमें हम डाल रहे हैं हरा प्याज है, तो इतना हम हरा प्याज कटा हुआ डाल देते हैं, और थोड़ा सा डालेंगे नमक। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह नमक डालकर मिला देने से ना पानी छोड़ देगा, और जो पानी एक्स्ट्रा रहेगा निकल जाएगा। तो इससे क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से मंचूरियन बनेगा, दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। तो ये देखिए, मिला दिए हैं अच्छी तरह से, 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। और 10 मिनट हो गया है, ये देखिए इसमें से पानी निकल रहा है ना, इसको हम निकाल कर निचोड़ निचोड़ के इस तरह से दूसरे बर्तन में रख लेंगे। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स ना, पानी एक्स्ट्रा निकल जाता है। फिर ज़्यादा बाइंडिंग के लिए मैदा या कॉर्नफ्लोर ये सब ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल दी जाती, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट है, इसी का टेस्ट आएगा। और ज़्यादा पड़ जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है, तो इसीलिए पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा ना, तो ज़रूर इस तरह करिए। पानी निकाल लेने से बाइंडिंग के लिए थोड़ा ही कॉर्नफ्लोर या मैदा लगेगा। अब पानी अच्छी तरह से निकाल दिए हैं, तो इसमें ये देखिए 2 चम्मच हम मैदा डालेंगे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक पहले डाले थे इसलिए थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, और इसमें डालेंगे काली मिर्च, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, और इसको इस तरह से हम छोटा बड़ा आप जैसा भी बनाना चाहते हैं इस तरह बना कर हम रख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए फ्रेंड्स, इतना हम बनाए हैं। तो हम तेल गरम हो चुका है, तो हम डालेंगे इस तरह से तो अभी हम टच नहीं करेंगे, ऐसे ही फ्राई होने देंगे 1 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट हो गया है, तो ऐसे पलट लेंगे इस तरह से, और आँच मीडियम ही रहेगा। फ्राई हो चुका है, ये देखिए सब हम निकाल लेंगे। बाकी का हम डाल लेंगे इसमें, तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मतलब बाइंडिंग के लिए भी अरारोट या मैदा ज़्यादा ना डालिए, नहीं तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा, फिर मैदे का ही स्वाद आएगा। तो उसी हिसाब से डालिएगा, अगर इस तरह से आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे से बनेगा। फ्राई हो चुका है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, वही कढ़ाई है, उसमें तेल है थोड़ा 2 चम्मच, और उसमें हम डालेंगे ग्रेट हुआ लहसुन। तो ये 15-16 लहसुन है फ्रेंड्स, ज़्यादा ही होना चाहिए, इसमें ज़्यादा थोड़ा लहसुन का टेस्ट आता है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो थोड़ा सा हम अदरक भी ग्रेट किए हैं, डाल दिए हैं, और ये कटा हुआ हरा मिर्चा, और ये लाल मिर्चा है, डालने से थोड़ा सा लुकिंग अच्छी आएगी इसलिए लाल मिर्चा भी डाल दिए हैं। ये देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, हल्का सा, और ये देखिए कलर चेंज हो गया है हल्का सा। तो अब इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी है, इसको भी हम थोड़ा सा पत्ता गोभी को काट लिए हैं। इस तरह से बनाइए फ्रेंड, बहुत टेस्टी लगेगा।
और प्याज बड़े बड़े में इस तरह से काटे हुए हैं, इसको भी हम डाल देंगे। और इसमें अब हम डालेंगे कटा हुआ गाजर, तो गाजर हम इस तरह से काटे हुए हैं फ्रेश थोड़े बड़े में। और ये शिमला मिर्च है, तो गाजर शिमला मिर्च आप स्किप कर सकते हैं, इसके बगैर भी आप बनाएंगे तो भी अच्छा बनेगा। इसको हम बहुत ज़्यादा हमको सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा क्रंच बना रहना चाहिए, इस तरह करना है इसको। हम थोड़ा सा बस 1 से 2 मिनट लगे इसको हम रोस्ट करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चा और डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, और इसमें हम डाल रहे हैं सोया सॉस। तो फ्रेंड्स, सोया सॉस में भी नमक होता है, तो सारी चीज़ें के अनुसार ही हम नमक डालेंगे। तो हम नमक डाल चुके हैं, ये देखिए केचप डाल रहे हैं, ग्रीन चिली सॉस। तो सारे सॉस में नमक रहता है फ्रेंड्स, उसी अनुसार आप नमक डालिएगा। और ये कॉर्नफ्लोर है 2 चम्मच, तो इसमें हम पानी डाल लेंगे थोड़ा सा, इसका हम घोल बना लेंगे ग्रेवी गाढ़ी होने के लिए। और इसमें हम डाल रहे हैं काली मिर्च पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये ज़रूर डालिए फ्रेंड। और ये देखिए अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी हम ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि ग्रेवी वाली है। थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे, इसमें हम ये जो घोल बना है ना कॉर्नफ्लोर का, इसको हम धीरे धीरे करके डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो बहुत अच्छा सा ग्रेवी तैयार होगा। ये देखिए इसे हम डाल देंगे, और ये देखिए ग्रेवी अच्छी तैयार हो गया है, ये देखिए। और इसमें हम डाल देंगे तो सब मंचूरियन हम डाल देंगे इसमें, और ये देखिए कितना मस्त हमारा मंचूरियन तैयार है। तो अच्छी तरह जब ग्रेवी तैयार हो जाए तभी आप फ्रेंड्स डालिएगा इसको, बहुत पहले से ही ना डालिए, नहीं तो ये एकदम भरता हो जाएगा खूब अच्छी तरह से। ये देखिए एक से दो मिनट हो गया है, बहुत मस्त तैयार हुआ है फ्रेंड्स। फ्राइड राइस के साथ खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ये देखिए तो गैस को अब हम बंद कर दे रहे हैं और सर्व करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मंचूरियन बिल्कुल ग्रेवी वाली तैयार है, और इसके ऊपर से हम हरा प्याज डाल देते हैं, तो हम हरे प्याज की गार्निशिंग कर दिए हैं। और ये देखिए कितना मस्त मंचूरियन तैयार है, फ्राइड राइस के साथ खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।